सावन के महीने के पहले सोमवार को शहर के देवालयों और शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार दुग्ध घृत एवं जल से भगवान शिव का अभिषेक कर परिवार के सुख समृद्धि एवं स्वास्थ्य की कामना की। विदित है कि श्रावण मास में ही देव और दानवों द्वारा मिलकर समुद्र मंथन किया गया था और उस समुद्र मंथन में विष का घड़ा भी निकला था, जिसे शिव शंभु भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसकी वजह से वह नीलकंठ भी कहलाते हैं। और इस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को बैकुंठ धाम स्थित शिव प्रतिमा एवं शिवलिंग पर शिव भक्तों द्वारा अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार दुग्ध घृत एवं जल से महाभिषेक किया गया एवं श्रद्धा अनुसार फल फूल का भोग भी लगाया गया। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की आराधना कर अपनी मनोकामनाओं को भी मांगा। बाबा से यही अपनी सुख समृद्धि के लिए कामना की है, अपने परिवार के कल्याण के लिए कामना की है। सावन का जो मास है ये प्रति वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है बैकुंठ धाम परिसर में। इसलिए मैं यहाँ के जो पंडित जी हैं उनका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस बैकुंठ धाम में बड़ा मतलब पवित्र धाम है और यहाँ का जो मतलब जो मैनेजमेंट वो करते हैं बड़ा अच्छे से करते हैं। हर साल हम आते हैं यहाँ पे, हर सोमवार को दर्शन करने आते हैं बाबा का, बड़ा पवित्र स्थान है। इसके साथ में हर हर महादेव। मनोकामना तो भोलेनाथ अपार है, उनकी जो शक्ति वो तो ये मतलब बोलना नहीं है, वो ऑटोमेटिक उस अंतर्यामी में जानते हैं किसको क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं मांगना। और सावन की सवारी रही, बहुत अच्छा लगा, और इस धूमधाम में आकर के बहुत अच्छा लगा। हर साल हम लोग आते हैं और अच्छा लगता है, और यहाँ के जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, और बहुत धन्यवाद है उन लोगों का, बहुत अच्छा लगता है। कुछ और ऐसी व्यवस्था आप देख पा रहे हैं कि कुछ यहाँ ज़रूरत है, क्या क्या व्यवस्था बनाई जानी चाहिए? ज़रूरत तो अभी खास नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं है, जितना पब्लिक है उसके अनुसार से ठीक ठाक है। बस पूजा पाठ ठीक ठाक से हो जाए, हमारा परिवार ठीक रहे, हमारा प्रदेश ठीक रहे, हमारा देश ठीक रहे, यही बाबा से मनोकामना में। आज ये मंदिर में व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? व्यवस्था ठीक है, मिला जुला के व्यवस्था होना चाहिए, क्षेत्रीय आधार पर ठीक ठाक है। तो मंदिर समिति जो जैसा इन्होंने किया है, आयोजन किया है, उसके लिए क्या कहेंगे उन्होंने? मंदिर समिति को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसा व्यवस्था बनाए हुए हैं, आगे भी बना रहे। शांति मांगे, पूजा पाठ किए अपना घर परिवार के लिए। कैसा लग रहा है आज बैकुंठ धाम मंदिर में आकर? बहुत अच्छा। व्यवस्थाएँ यहाँ ठीक ठीक है, ठीक ठाक है, ज़्यादा बीमार नहीं है, जैसे रहना चाहिए वैसे ठीक है। आप पिछले दो साल तो मंदिरों में आना बैन था कोरोना काल की वजह से, बहुत भीड़ रहती थी पहले, अभी तो कोरोना की वजह से लग रहा बहुत अच्छा है, ऐसे रहना चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ में वही होता है कोरोना वोना फैलने का डर से। वहीं बैकुंठ धाम के मां दुर्गा मंदिर के पुरोहित ने श्रावण मास में शिव भक्ति करने पर इससे मिलने वाले फल के बारे में विस्तृत जानकारी न्यूज टीम को उपलब्ध कराई। सोमवार का वार है, इस कारण सोमवार को भीड़ तो लगती ही है, लेकिन श्रावण में इस कारण जो है जल का अभिषेक होता है, दूध का अभिषेक होता है, और तुम्हारा मधु का तेल का जिसका भी अभिषेक कराते हैं, क्योंकि श्रावण मास में ही दैत्य और दानव जो है समुद्र मंथन किए थे, जिससे भगवान महाकाल 14 रत्न निकला, उसमें 1 रत्न जो है विष का था, जिसको ग्रहण करने के लिए 33 करोड़ देवी देवता कोई जो है मंजूर नहीं कर रहे थे, तो महाकाल उस रत्न को जो है उस विष को जो है अपने कंठ में जो है रखा, अगर क्योंकि उसके हृदय में जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है निवास करते हैं, इस कारण एक नाम उसका जो है नीलकंठ पड़ा, और इसी महीने में जो है 12,000 साल तक की जो है समुद्र मंथन हुआ था, जिसकी वजह से समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला, और 14 रत्न निकलने के बाद जो है विष को श्रावण मास में ही भगवान जो है ग्रहण कर रहे किए, जिसके कारण उसका शरीर जो है हमेशा जो है जल रहा है। इस कारण जितना भी जल हम अभिषेक करते हैं, जितना भी दूध का अभिषेक करते हैं, जितना भी मधु का अभिषेक करते हैं, जितना भी गन्ना रस का अभिषेक करते हैं, इस महाकाल
उस भोला भंडारी जो है हम पे जो है दया बरसा देती है और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अगर श्रद्धा से भक्ति से कोई भी भक्त जो है उसके ऊपर एक लोटा अगर जल चढ़ा दे, एक बेलपत्ती चढ़ा दे, एक चावल का दाना चढ़ा दे या एक पुष्प आग का धतूरा का निष का, क्योंकि जहर जहर को काटता है, निष निष को काटता है। इस कारण कनेर का पुष्प, धतूरा का पुष्प, कनेर का फल, धतूरा का फल, आग का पुष्प, आग का फल, बेल का जो स्वयं जो है भगवान महाकाल जो है उसमें 33 करोड़ देवी देवता उस बेल का झाड़ में निवास करते हैं। महाकाल के जो जगहरी है उसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। इस कारण अगर हम एक लोटा जल जो है उसका शिव जी में चढ़ाते हैं तो ये समझिए हम 33 करोड़ देवी देवता को जो है स्नान कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं और उसका वरदान हमको जो है मिलता है तुरंत। इसमें संशय वाली बात नहीं है। शिव जी को जितना जल चढ़ा सकते हैं, जितनी दूध चढ़ा सकते हैं, जितनी जो है मधु चढ़ा सकते हैं, जितना गन्ना रस चढ़ा सकते हैं, जितनी शक्कर से अभिषेक कर सकते हैं, जितनी जो है कपूर से अभिषेक कर सकते हैं, अलग अलग अभिषेक करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यही जो है श्रावण मास का विशेष महाकाल। बीते 2 वर्ष के सावन में मंदिरों में पूजा अर्चना करने पर रोक लगाई गई थी क्योंकि उस वक्त कोरोना महामारी की वजह से शासन प्रशासन ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए थे। इस वर्ष यह खतरा टलने के बाद शिवालय और देवालयों में शिव भक्तों ने अपनी इच्छा अनुरूप शिव की भक्ति की और श्रावण मास के प्रथम सोमवार में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।